सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर पेपर लीक की घटनाएं, ईडी की एंट्री हो गई, हर पेपर आउट हो रहा है। और सीकर के अंदर कलाम कोचिंग इंस्टीट्यूट में ईडी ने एंट्री करी है, वहां कांग्रेस के एक बड़े नेता का नाम आ रहा है, जिसपे पहले मीडिया और दूसरे नेताओं ने भी आरोप लगाए। मेरा यह था कि ईडी की एंट्री से कुछ नहीं होगा, आप क्या करते हैं ईडी और सीबीआई को भेजते हैं, और जब आपकी पार्टी ज्वाइन करता है उस केस को खत्म कर देते हैं। मेरा निवेदन है नौ समाप्त करो। एक मिनट साहब, कुछ पॉइंट पे आ रहा हूँ सर। आप देखो वातावरण बिगाड़ो मत, आप सुनो, मैं इसी मूड में हूँ आज। आपका एडिशनल समय दिया, अगर नहीं बोल पाया तो फिर वातावरण खराब करो। जल्दी एक मिनट, एक मिनट में सॉरी, एक एक डेढ़, आपने इनको 15 मिनट दे दिया साहब, दो नहीं नहीं नहीं, एक डेढ़ मिनट में बात, एक मिनट से कंक्लूड करो। आप भी सिंगल मेंबर पार्टी से, आप कंक्लूड करो प्लीज। नो जानते रखो, नो नो नो, मोदी जी करते सर, वर्तमान कांग्रेस सरकार पूर्ति भाजपा सरकार के कार्यकाल में 2 दर्जन से अधिक बड़ी भर्तियां परीक्षा रद्द हुई राजस्थान के अंदर। ये क्यों हो रही है? पेपर लीक क्यों हो रहा? कानून तो बन गया, ईडी पकड़ती है, एसओजी एसीबी जो स्टेट एजेंट जो पकड़ती है, लेकिन उस मुख्य सूत्रधार को नहीं पकड़ती, जिसकी वजह से पेपर आउट हो रहे हैं। आरपीसी के चेयरमैन को बर्खास्त करें, ईडी की जो एंट्री हुई है उसका मैं स्वागत करता हूं।